आज के इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप किसी भी फोल्डर को पासवर्ड के साथ लॉक करना चाहते हैं, या किसी भी फोटो को आप पासवर्ड के साथ लॉक करना चाहते हैं, या किसी भी वीडियो को आप पासवर्ड के साथ लॉक करना चाहते हैं, या कोई भी पीडीएफ है तो आप पीडीएफ को पासवर्ड के साथ लॉक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं इस वीडियो में बताया था आपको अपने ड्राइवर को किस तरह लॉक कर सकते हैं और किसी भी फोल्डर को बिना पासवर्ड के लॉक कर सकते हैं, लेकिन वो ओपन नहीं करेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में बताएं किसी भी फोल्डर को पासवर्ड के साथ कैसे लॉक कर पाएंगे। जब भी वो फोल्डर पे क्लिक करेगा तो पासवर्ड उसको मांगेगा, जैसे वो पासवर्ड एंटर करेगा तो उसके बाद वो उसका फाइल जो फोल्डर होगा वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सॉफ्टवेयर का लिंक दिया हूँ, NV फोल्डर लॉकर फ्री। तो इसको आपको यहाँ पे डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन भी क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। जब आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाएगा कुछ इस तरह यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो जब आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा कुछ इस तरह दिखने को मिलेगा। इस सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करेंगे और सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे यस बटन भी क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसी तरह यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें। तो ये पूरा सिस्टम में आपको इंस्टॉल होने देंगे, इस सॉफ्टवेयर को ये पूरा कंप्लीट करेगा। इसमें आपको एक मिनट से भी कम समय लगेगा इसको इंस्टॉल होने में। एक मिनट वेट कर लेंगे, एक मिनट से भी बहुत कम समय में ये आपके सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए ये जैसा कि देख पड़े यहाँ पर ओके बटन पर प्रेस करेंगे। जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करें कुछ ये पूरा इस तरह कंप्लीट करेगा। उसके बाद कुछ इस तक आएगा, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब हमारा ये ओपन हो जाएगा, इसमें इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक देख सकते हैं NV फोल्डर लॉकर का एक सॉफ्टवेयर एक आइकन हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो चुका है। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तक आया, यहाँ पे कह रहा है एक पासवर्ड चूज करने के, नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करें वो पासवर्ड देंगे तभी ओपन कर पाएंगे। जो भी पासवर्ड रखना चाहिए वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद उसी पासवर्ड को यहाँ पे सेकंड वाले बॉक्स में कन्फर्म करेंगे। पासवर्ड कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी देंगे। अगर ये पासवर्ड हम कभी भूल जाते हैं तो उसको इस ईमेल आईडी की मदद से नया पासवर्ड बना सकते हैं, पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सा एक ईमेल आईडी दे देंगे। ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ ओके बटन पे क्लिक करेंगे जो हमारा ये सॉफ्टवेयर ये ओपन हो जाएगा। तो किसी भी फोल्डर को लॉक वगैरह करने के लिए यहाँ पे ऐड आइकन पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद ये आपके सिस्टम की लोकेशन को दिखा देगा और जिस भी फोल्डर को लॉक करना है यहाँ पे कंप्यूटर पे जाएंगे और यहाँ पे फोल्डर को सेलेक्ट कर जिस भी फोल्डर को लॉक करना है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम एक फोल्डर को लॉक, यहाँ पर मेरा एक CSC नाम का एक फोल्डर, ये देखिए एक जिसान मॉनिटर नाम का एक फोल्डर है, इस फोल्डर को हम लॉक करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे। तो हम इस फोल्डर को लॉक करेंगे जिसान मॉनिटर को, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओपन कर देंगे। ये जिसान मॉनिटर नाम का जो फोल्डर ये लॉक हो चुका है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी लॉक नहीं हुआ, ये इसमें ऐड हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा। हाइड, अगर हाइड कर देंगे तो ये जो फोल्डर है हमारे ड्राइव में नहीं शो करेगा। चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमारा एक फोल्डर था जीशान मॉनिटर नाम का, लेकिन वो फोल्डर अभी यहाँ नहीं है। देख सकते ये एफ़ में, ये देखिए एफ़ में जीशान मॉनिटर नाम का कोई फोल्डर नहीं है। उसके बाद इस सॉफ्टवेयर पर आएंगे और यहाँ पर हाइट को हम इसको अनप्रोटेक्ट कर देंगे तो वो जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे देख सकते हैं आप शो करने लगा उस, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे अगर दूसरी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो इसको लॉक भी लगा सकते हैं। अब जो इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है दिस फाइल इज लॉकेड, ये फाइल लॉक है तो ये ओपन नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद फिर से इसी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा रीड ओनली अगर सेलेक्ट करेंगे तो इसमें कोई जो भी डॉक्यूमेंट वो पढ़ सकता है, लेकिन कॉपी पेस्ट या कोई भेज वगैरह क्रॉप वगैरह कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, सिर्फ पढ़ सकता है, ठीक है। उसी के साथ अगर इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक मिला हाइड एंड लॉक को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये जो आपका सॉफ्ट फोल्डर था वो हाइड भी हो जाता है और लॉक भी हो जाता है। उसी के साथ साथ और यहाँ पर सबसे अंतिम जो ऑप्शन है पासवर्ड, जिसके जो ये वीडियो का मेन टॉपिक है, पासवर्ड को जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये फोल्डर में पासवर्ड लग जाएगा। और यहाँ पे कह रहा कौन सा पासवर्ड रखना चाहते हैं,
जो पासवर्ड से आप इस सॉफ्टवेयर ओपन करते वही पासवर्ड अगर आप रखना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर इस फोल्डर के लिए आप नया पासवर्ड यूज करना चाहते हैं तो कस्टम पासवर्ड को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड देंगे, उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे और यहाँ पे एक हिंट देंगे, मतलब आप पासवर्ड में क्या दिए उसका एक हिंट देंगे ताकि आप पासवर्ड जब भूल जाए तब इस हिंट की मदद से आपको याद आ जाए। मान लीजिए यहाँ पर अपना नाम दे रहे हैं पासवर्ड में, तो यहाँ पर हिंट में आप नेम लिख दीजिएगा, जब भी आप भूल जाएंगे तो आपको ये हिंट दिखाएगा, नेम दिए थे आप, तो उस नेम दे के आप पासवर्ड डाल सकते हैं। चलिए जो पासवर्ड से मैं इस सॉफ्टवेयर ओपन किया था उसी पासवर्ड से लॉक करना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके बटन में क्लिक करेंगे ये फोल्डर में पासवर्ड लग चुका है। चलिए ये फोल्डर है, फोल्डर पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। चलिए यहाँ पे एक रॉन्ग पासवर्ड देखिए, देखते हैं ये ओपन होता है कि नहीं होता है। उसके बाद रॉन्ग पासवर्ड दिए, यहाँ पे ओके बटन में क्लिक किए, यहाँ पे कह रहा है इनवैलिड पासवर्ड, तो यहाँ पे जो करेक्ट पासवर्ड है वो अब यहाँ पे हम इंटर करते हैं। करेक्ट पासवर्ड देने के बाद यहाँ ओके बटन में जैसे क्लिक करते हैं ये फोल्डर जो ओपन हो जाता है और इसमें जो इमेज दी वगैरह है उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट ओपन करके देख सकते हैं। ये तो क्या फोल्डर को लॉक करेंगे, अगर फोल्डर को अनलॉक करेंगे तो यहाँ पे फोल्डर के राइट साइड क्लिक करके यहाँ से फोल्डर को आप यहाँ राइट साइड क्लिक करके यहाँ पे रिस्टोर पासवर्ड करके नया पासवर्ड लगा सकते हैं। लेकिन ये सभी पे आपको नहीं मिलेगा, जो भी फोल्डर आपने यहाँ पे ऐड किया हो उसी फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपको लॉक और अनलॉक का ऑप्शन आएगा। जैसा कि ये फोल्डर मैंने इस सॉफ्टवेयर में ऐड कर रखा हो तो यहाँ पे देखिए रिस्टोर पासवर्ड यानी कि पासवर्ड लगाने के लिए बोल रहा है, रिस्टोर पासवर्ड क्लिक किया तो अब ये मेरा पासवर्ड लग चुका है, अब यहाँ पर अनलॉक करने का भी ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन ये फोल्डर मैंने उसमें ऐड नहीं किया था, इसमें उस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। तो चलिए अभी मेरा पासवर्ड जो हुआ है लगा हुआ अनलॉक करने के लिए बोल रहा है, मतलब इसका मतलब पासवर्ड लगा हुआ है, ना ही इसको डिलीट कर सकता है कोई, ना इसे नाम चेंज कर सकता है। तो चलिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक पासवर्ड जो मेरा पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे। पासवर्ड इंटर करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे, ये फाइल ओपन हो जाता है। अगर अभी फाइल ओपन हुई इसमें जो काम था वो मैंने कर लिया, जब इसको डायरेक्ट यहाँ से क्लोज करेंगे तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप पासवर्ड रख अनलॉक करना चाहते हैं या लॉक रखना चाहते हैं। अगर आप लॉक रखना चाहते तो यस करेंगे, अगर लॉक नहीं रखना चाहते इस फोल्डर में तो नो करेंगे। चलिए हम इस फोल्डर में लॉक रखना ही चाहते हैं तो यस करेंगे। अब फिर से हम उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड फिर से मांग रहा है, फिर से एक बार इसको ओपन हम कर लेते हैं, फिर से पासवर्ड देने का ओके करेंगे, उसके बाद हम फिर से यहाँ से क्लोज करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे कहेंगे पासवर्ड हमें नहीं रखना इस फोल्डर के साथ तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद जो हम फिर से इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो जाती है। फिर से इस पास फोल्डर में लॉक लगाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर को ओपन नहीं करना होगा, सिर्फ फोल्डर के राइट साइड क्लिक करके यहाँ पर आप रिस्टोर पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड लगा सकते हैं और अनलॉक करने के लिए आप इसी पर क्लिक करके अनलॉक कर सकते हैं। और इस पासवर्ड को डिलीट वगैरह करने के लिए सबसे पहले आपको इस फोल्डर को यहाँ पे आके डिलीट करना होगा, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, टिक मार्क लगाएंगे और यहाँ पे रिमूव कर देंगे। अगर आप चाहते हैं इस पासवर्ड को, अगर आप इस फोल्डर से पासवर्ड हटाना चाहते हैं इस पर यहाँ पे अनप्रोटेक्ट कर देंगे तो ये पास फोल्डर से पासवर्ड वगैरह हट जाएगा, अब ये फोल्डर आपका डिलीट भी हो सकता है, अब नॉर्मल फोल्डर की तरह ये भी फोल्डर आपका हो चुका है। चलिए ये जो इमेज फ़ोटो है इसको ओपन करते हैं, जैसे फ़ोटो पे डबल क्लिक करते हैं तो ये फोटो जो है डायरेक्ट तुरंत ओपन हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम फोटो पे लॉक लगाना चाहते हैं, फोटो पे कोई क्लिक करेगा, फोटो पे पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद ओपन होगा, उसके लिए क्या करना, सबसे पहले उसके लिए हमको इस फोल्डर में लॉक लगाना होगा क्योंकि इस फोल्डर के अंदर वो फोटो है। फोल्डर को लॉक लगाने के लिए यहाँ पे उसी पासवर्ड को सिलेक्ट करेंगे, डिफॉल्ट पासवर्ड को यूज करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पासवर्ड इंटर करेंगे, पहले पासवर्ड इंटर करने के बाद फोल्डर में ओपन हो गए। उसके बाद जो फोटो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मिला है रिस्टोर पासवर्ड, रिस्टोर पासवर्ड क्लिक करेंगे, अब जो इस फोटो को ओपन करेगा जैसे डबल क्लिक करेगा तो यहाँ पे कह रहा है पासवर्ड देने के लिए, जब तक वो पासवर्ड नहीं देगा तब तक वो फोटो को व्यू नहीं कर सकता। पासवर्ड जैसे मैंने दिया तो यहाँ व्यू कर दिया और इस फोटो में जो आप देख सकते मैंने पासवर्ड नहीं लगाया, इस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट ये ओपन हो रहा है। और इस पर अगर इस फोटो को अगर हम अनलॉक करना चाहें तो फोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिस्टोर अभी मैंने ओपन किया था पासवर्ड इसलिए अनलॉक हो गया, रिस्टोर करेंगे फिर से। उसके बाद अगर इस फोटो को अनलॉक करना चाहिए यहाँ पर अनलॉक पे क्लिक करेंगे और जो पासवर्ड था वो पासवर्ड देके ओके कर देंगे, ये अनलॉक हो जाएगा। इसी तरह आप किसी भी फोटो में, वीडियो में, पीडीएफ में, किसी भी चीज़ में आप लगा सकते हैं, सेम यही प्रक्रिया है। सबसे पहले किसी भी फोटो, वीडियो या पीडीएफ में लॉक लगाने के लिए सबसे पहले उसको एक फोल्डर में देना होगा, ठीक है, और उस फोल्डर को पहले लॉक करना होगा,
उस फोल्डर को लॉक करेंगे, उसके अंदर आपको ये जो प्रोटेक्ट पासवर्ड वगैरह का ऑप्शन है वो मिलेगा। मान लीजिए ये दूसरा फोल्डर में ओपन, दूसरा फोल्डर को ओपन करते हैं और ये फोल्डर यहाँ पे देख सकते हैं, इस फोल्डर में उस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर सिर्फ फ़ोटो को आप ऐड लॉक लगाना चाहते हैं तो उस फ़ोटो को यहाँ पे ऐड करना होगा। पहले ऐड पे क्लिक करेंगे और उस फ़ोटो को यहाँ से पहले ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ से फ़ोटो को डायरेक्ट फ़ोटो को भी आप लॉक लगा सकते हैं इस तरह का। अब फ़ोटो को जो ओपन करेंगे वो ओपन बिना फोल्डर का, ठीक है। तो इसको हम इसे अनप्रोटेक्ट कर देते, इसको हम डिलीट कर देते, पीडीएफ था ये। इसी तरह आप कर सकते हो, इसमें आप फ़ोटो वीडियो पीडीएफ सभी को लॉक कर सकते हो और अनलॉक कर सकते हो पासवर्ड के साथ। जैसे इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पूछा कि आप पासवर्ड रखना चाहते हो तो यस करेंगे, नहीं रखना चाहते तो नो करेंगे। और इसको यहाँ पे डायरेक्ट क्लोज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पासवर्ड लगाए फिर भी क्लोज कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, ये आपका पासवर्ड लगा रहेगा। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।